दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वंडरलस्ट। आज मैं एक नई जगह आपको दिखाने लाया हूँ जो साइंस के लिए जानी जाती है। तो आज मैं आया हूँ नेशनल साइंस सेंटर, जिसको कुछ लोग साइंस म्यूजियम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है ये घूमने के लिए और देखने के लिए। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले साइंस म्यूजियम और आज हम नई नई चीज़ें देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पीछे जो आप ये ग्लोब देख रहे हैं, ये ग्रेनाइट का बना हुआ 1200 केजी का ग्लोब है और इस पर वर्ल्ड का मैप बना हुआ है और ये पानी के ऊपर घूम रहा है। तो ये देखने में एक अनोखी चीज़ है और इसी तरह की अनोखी चीज़ें साइंस म्यूजियम के अंदर भी हमको दिखने वाली हैं। आज मैं आपको इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें साइंस म्यूजियम के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो आइए अंदर चलते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप एंटर करेंगे अंदर, सबसे पहले आपको ये फ़िश एक्वेरियम दिखाई देगा। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मछलियाँ रखी हुई हैं जो आपको तैरती हुई दिखाई देंगी। ये यहाँ पे डिजिटल एक्वेरियम है जहाँ पे वीडियोस आपको मछलियों के दिखाई देंगे। ये मैजिक टैप है, तो इसमें पानी के पाइप का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन देखने में आपको ऐसा लगेगा कि टैप से पानी आ रहा है। तो ये भी अपने आप में एक अनोखी चीज़ है देखने के लिए। दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तारों के टाइप का, ये एनर्जी बॉल है। तो इसमें एक बॉल ऊपर से गिराई जाती है और वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट डिफरेंट पाथ से होकर के नीचे आती है घूमते हुए। तो ये देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और ये थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने आप ऊपर से बॉल आती है, फिर रुक जाती है। तो इसकी भी एक टाइमिंग है जो वहीं पे लिखी हुई है। दोस्तों, इस साइंस म्यूजियम को 1992 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था या इस्टेब्लिश किया गया था और तब से ही इसमें ऐसी अनोखी अनोखी चीज़ें रखी गई हैं जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलती हैं। तो इसके अंदर हमें बहुत सारी साइंटिफिक प्रोसेस, बहुत सारी मशीन्स और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को जानने का मौका मिलता है और अंदर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, वाटर की साइकिल दिखाई गई है, किस तरह से वाटर को प्योरीफाई किया जाता है, किस तरह से उसे अलग अलग जगह पर सप्लाई किया जाता है और दिल्ली में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दिखाई गई हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो पानी डायनासोर पिया करते थे, वही पानी, मतलब उसी तरह का पानी हम भी आज पिया करते हैं। यहाँ पे जो दिल्ली में जंतर मंतर है, उसमें जो यंत्र हैं यानी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं समय का पता लगाने के लिए और ग्रह की स्थिति का पता लगाने के लिए, उनके मॉडल छोटे छोटे रखे गए हैं। जो पहिया आप देख रहे हैं, ये कोणार्क के सूर्य मंदिर में जैसा पहिया है रथ का, उस तरह का पहिया यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे हड़प्पा की सभ्यता के बारे में दिखाया गया है, मूर्तियाँ बनी हुई हैं और वो लोग किस तरह से क्या 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 एक्टिविटीज़ करते थे, किस तरह से रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, क्या काम करते थे, किस तरह के उनके खिलौने होते थे, कैसे बर्तन होते थे, किस तरह से खाना बनाते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मूर्तियों के थ्रू दिखाई हुई हैं।
दोस्तों मैं इस साइंस म्यूजियम के अंदर हूँ और जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ और लोग क्या क्या यूज़ करते थे, किस तरह की चीज़ें यूज होती थी, कैसे लोग काम किया करते थे, किन चीज़ों से, वो सब दिखाया गया है। तो देखने में बड़ा अच्छा है और बहुत ही अनोखी और नई चीज़ें देखने के यहाँ पर मुझे मिल रही है। तो अभी आगे भी मैं वो सब आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों यहाँ पे हमारी एशियंट लैब दिखाई गई है, किस तरह से दवाइयाँ वगैरह बनाई जाती थी बहुत प्राचीन काल में, तो उन सब का यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे सर्जरी कैसे किया करते थे पहले, बहुत समय पहले, तो वो सब यहाँ पे मूर्तियों के द्वारा दिखाया गया है। यहाँ पे मसालों के बारे में बताया गया है, आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद में क्या क्या यूज़ किया जाता था। यहाँ पे ये लोहे से हथियार बनाने के लिए किस तरह से लोग बनाते थे वो दिखाया गया है। यहाँ पे कॉटन और टेक्सटाइल के बारे में बताया गया है कि कपड़ा कैसे तैयार किया जाता था, कैसे बुना जाता था। यहाँ पे सांची के स्तूप का एक मॉडल रखा गया है छोटा सा, उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे वाद्य यंत्र रखे गए हैं पहले जो यूज़ किया करते थे लोग बहुत समय पहले वो सारे, और इनमें से कुछ आज भी यूज़ होते हैं जैसे तबला वगैरह। यहाँ पे बच्चे का एक लाइफ साइकिल दिखाया गया है कि किस तरह से वो माँ के पेट में पनपता है और बाद में पैदा होता है, ये ब्लूप्रिंट दिखाया गया है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इससे आपके बैलेंस का पता लगता है कि आप बिना टच किए इस रिंग को कैसे घुमा सकते हैं। ये स्केलेटन है, यहाँ पे नीचे माइंड बना हुआ है, तो जहाँ जहाँ पे आप प्रेस करेंगे अपनी उंगली से तो स्केलेटन के हाथ या पैर उसी तरह से हिलेंगे। ये तीन वेट जो आप देख रहे हैं ये देखने में तो छोटे बड़े लगते हैं लेकिन इनका वेट बिल्कुल एक जैसा है। यहाँ पे हार्ट रखा हुआ है और यहाँ पे हार्ट के धड़कने की भी बहुत तेज़ से आवाज़ आती है। ये यहाँ पे बॉक्सर दिखाया गया है, यहाँ पे सेंसर लगा है, आप जब इसके पास जाएंगे तो ये आपको पंच करेगा। ये आपका बैलेंस नापने का वो है, कैसे आप बैलेंस बना पाते हैं। यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ को मापने के लिए दिखाया गया है, ये मशीन लगी हुई है, इससे आपको अपनी स्ट्रेंथ पता लग जाएगी। ये प्री हिस्टोरिक गैलरी आ गई, यहाँ पे अंधेरा है अंदर और यहाँ पे बहुत ही सालों हज़ारों साल पहले के जो जीव जंतु थे वो दिखाए गए हैं, जैसे ये डायनासोर्स हैं, मैमथ हैं, और भी प्राचीन काल के जीव जंतु यहाँ पे बहुत सारे दिखाए गए हैं जो कि मूव भी करते हैं और जिनमें से आवाज़ भी आती है जो बिल्कुल रियल लगती है। दोस्तों साइंस म्यूजियम या नेशनल साइंस सेंटर में एंट्री का टिकट पर पर्सन 60 रुपये है और यहाँ पे बहुत सारे 3D शोज़ भी होते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं, तो हर एक्टिविटी का अलग टिकट है, 3D शो का अलग टिकट है और बाकी चीज़ों के भी अलग अलग टिकट है, तो एंट्री का टिकट सिर्फ 60 रुपये है। यहाँ पे दो चेयर हैं, एक में एकदम पेनी नीडल्स हैं और दूसरे में मोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो पेनी नीडल्स वाली में बैठने में आराम मिलता है, कम्फर्टेबली बैठ जाते हैं, लेकिन जो दूसरी चेयर है उसमें डिस्कम्फर्ट फील होता है। यहाँ पे एक कुआं दिखाया गया है, इसमें लिखा हुआ है इटर्निटी वॉल, मतलब जब आप इसके नीचे झांकेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत गहरा कुआं है, लेकिन ऐसा है नहीं, इसके ऊपर मिरर लगा है। यहाँ पे एक बहुत पुराने समय की साइकिल दिखाई गई है जो बहुत समय पहले यूज़ होती थी। यहाँ पे लिखा है लिफ्ट योरसेल्फ, मतलब आप इस चेयर पर बैठेंगे और इस रस्सी को अपने हाथों से खींचेंगे तो ये आपको ऊपर लिफ्ट कर देगी, मतलब आप जितना रस्सी खींचेंगे उतना आप ऊपर जाते चले जाएंगे। ये है मिरर मेज यानी शीशे वाली भूल भुलैया, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने के लिए।
यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका सर एक प्लेट के ऊपर रखा हुआ है। तो ये मिरर्स का कमाल है। ये रेलवे के आर्टिफैक्ट्स आपको दिखाई देंगे, टाइपराइटर, बहुत सारी लाइट्स वगैरह, प्रिंटिंग प्रेस मशीन्स, पहले जो यूज़ हुआ करती थी वो सारी यहाँ पे दिखाई गई हैं। यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर दिखाए गए हैं कई सारे, जो कि सारे इंडियन हैं। ये गैलरी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। यहाँ पे उनके बारे में बताया गया है और उनका एक बिल्कुल असली सा स्टैचू भी रखा हुआ है। खाना म्यूज़ियम में ठीक ठाक था, अगर भूख नहीं लगी हो तो स्किप भी कर सकते हैं। दोस्तों पहली बात तो ये एक नई खबर ये है कि प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम जो है वो तो चेंज होकर के सुप्रीम कोर्ट हो गया है। तो कन्फ्यूज़ ना हो जब भी आप यहाँ पे आएँ। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नेशनल साइंस सेंटर या साइंस म्यूज़ियम जो है वो प्रगति मैदान के पास में ही पड़ता है। तो आप यहाँ पे कैसे आएंगे वो जान लें। आप ब्लू लाइन पकड़ के प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन पे उतरेंगे तो प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन, जिसका आप नाम सुप्रीम कोर्ट हो चुका है, उससे बाहर निकलेंगे तो वहाँ से आपको ऑटो करना होगा। वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है साइंस म्यूज़ियम, तो ऑटो करके आप वहाँ से जा सकते हैं, या बाहर रोड मेन रोड पर बसें भी चलती हैं उससे भी जा सकते हैं। तो मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है वहाँ से, और ऑटो से आप इजीली वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि ऐसे नॉलेजफुल वीडियो और लोग भी देख सकें आपकी तरह, और उनको भी कुछ नई जानकारी मिल सके। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।